मैं चलो दोस्तों, तो देख सकते हो आज हम लोग छठ पूजा के दिन जाने वाले हैं और देख सकते हो मम्मी रेडी हो गई है। तन्नू है, ये शिवांग रह रहे मम्मी छठ पे। अच्छा लग रहा है, तैयारी सारी पूरी हो गई है। देख सकते हो यहाँ सामान वामान सारा रेडी है। ये शिवांग लेके जाएगा, उठाओ शिवांग, यही शिवांग लेके जाएगा। इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं लेट से थोड़ा जाऊँगा। पहली बार शिवांग लेके जाएगा, अच्छा लगे। पैदल तो जाओगे नहीं? चलो फिर चलते हैं और घाट पे इसी तरह मिलते हैं और वहीं पे हम लोग पूजा पाठ कराया जाएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं। दोस्तों अब हम लोग निकल चलते हैं घाट के लिए। देख सकते हो कि मैं गन्ने को अच्छे तरह से बांध रहा हूँ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है ले जाने में। उसके बाद इसको तीन जगह से अच्छे से बांधने के बाद हम लोग अच्छे से लेके जाएंगे क्योंकि ये कहीं तार और में चिपक ना जाए, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं तो बहुत सारे वायर होते हैं जो कि गन्ने से चिपक सकते हैं। इसीलिए ऊपरा हिस्सा और नीचे का हिस्सा अच्छे से रस्सी से बांध लेना चाहिए और आप लोग को भी इससे ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग वहाँ चलने के बाद देख सकते हो कि घाट पे आ चुके हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को घाट पे मिलता है। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, तो भीड़ देख के ही हालत ख़राब हो गया था। शिवांग से मैं बोला कि आराम से जाना और आराम से हम लोग गन्ना वन्ना लेके अपने आगे अपने यहाँ पे आ गए जहाँ पे हम लोग ने उस दिन बेदी बनाई हुई थी। और देख सकते हो कि हम लोग को बेदी नीचे बनाने का मौका तो नहीं मिला पर ऊपर ही बहुत अच्छा मिल गया, जो कि बालकनी जैसा लग रहा था। बट यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ गए थे। देख सकते हैं नीचे मम्मी बैठी हैं, बगल में शिवांग बैठा हुआ है और हमारे पिताजी भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद हम लोग ने बहुत इंजॉय किया। मम्मी पूरा पूजा वूजा अच्छे से की। इसमें फल फूल और गन्ने का चढ़ावा चढ़ता है इसमें, बहुत ही अच्छा। और अगल बगल के लोग भी, बहुत सारे हमारे परिचित लोग भी छठ पूजा को मना रहे थे। बगल में देख सकते हो कि बहुत जगह खाली थी बट वो थोड़ा लेट आए हुए थे, हमें लगा कि वो नहीं आएंगे बट वो बाद में आए, वरना बगल में बहुत जगह थी बैठने के लिए। तो शाम को मेरे परिवार के पास कुछ ही सदस्य गए हुए थे, ये हुआ कि हम लोग सुबह जाएंगे। तो चलिए आएगा आपको सिनेमेटिक दिखाते हैं। मम्मी यहाँ से अर्घ लेने के लिए जाने वाली थी क्योंकि शाम का समय हो गया था और सूर्यास्त के समय ये अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी सुपोली ली थी, उसमें फल फूल रख के और नदी के अंदर जाके अर्घ लिया जाता है, जो कि ये छठ पूजा का पर्व है जो सुबह और शाम सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय किया जाता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य था हमारे यहाँ के घाट का। हमारी बेदी आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर बेदी थी, तो बहुत अच्छा नज़ारा था। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी अच्छे से। और देख सकते हो कि कुछ टाइम बाद मम्मी पापा और शिवांग आ गए, अर्घ दिला गया जो कि बहुत भारी सुपेली होती जो मेरे पिताजी उठा के लेके आए थे। और यहाँ थोड़ा सा हम लोग के यहाँ जो बेदी बनी हुई थी, थोड़ा सा वो जगह ऊंचा खाड़ा था तो इस वजह से थोड़ा सा आने जाने में समस्याएं हो रही थी, पर कोई बात नहीं, छठ माता के लिए इतना हम लोग सहन कर सकते हैं। और दिल से बोलते हैं जय छठी मैया। देख सकते हो कि अब सारी तैयारी हो चुकी थी, शाम का वक्त निकल चुका था। अब सुबह हम लोग, रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था शाम के समय, तो हमने सुबह फिर हम मॉर्निंग में आ चुके थे। और देख सकते हो कि मॉर्निंग में कितना ज़्यादा भीड़ दोस्तों है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ पड़ गई थी। हम लोग के क्या होता है कि शाम को लोग ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं घाट पे, पर मॉर्निंग के टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दर्शन करने और आशीर्वाद लेने और प्रसाद लेने के लिए घाट पे आते हैं। तो आप देख सकते हो कि कम से कम हजारों की संख्या में बस एक जगह भीड़ यहाँ मौजूद थी। और बहुत सारे यहाँ पे पूजा पाठ अर्घ लेने के बाद जो औरतें होती हैं जो कि सिंदूर लगाती हैं, अपनी जो भी साथ में औरतें आई होती हैं मांग भरी जाती हैं, तो ये सब अच्छा पर्व जो कि दिल को भावुक कर देता है।
और देख सकते हो कि हमारे एक मित्र थे जो बगल में वेदी बना हुआ था, तो उनकी माता जी हैं जो कि मांग अपने साथ की औरतों की मांगे भरी जा रही हैं, जो कि पवित्र माना जाता है, जो कि सुबह सुबह अर्घ देने के बाद ये प्रसाद वितरण और मांग भरी का है ये पर्व होता है। कि बहुत अच्छा लगा देखने में। मेरी माता जी भी आगे बैठी हुई हैं, अब उनकी बारी थी अब उनको लगाने के लिए। इसके बाद दोस्तों गन्ने का देख सकते हो कि गन्ना जो है वो गन्ने के ऊपर का जो आप पीस चढ़ा होता है एक, जिसको पूजे के लिए माना जाता है, उसके बाद गन्ने का जो ऊपर जो घास होती है उसको तोड़ा जाता है, तोड़ के उसको नदी में बहा दिया जाता है, जो कि मेरे पिताजी वो कार्य कर रहे हैं, उसको तोड़ा जाएगा। उसके लिए शिवांग भी देख सकते हैं कि पीछे है, शिवांग भी हाथ बटाएगा इसमें। और ये मेरी बहन नेहा जो कि सुबह के टाइम आई थी, शाम के टाइम आ नहीं पाई थी, तो इसके बाद ये गन्ने को उसी समय देख सकते हो कि माता जी मेरे पिताजी के चरणों को स्पर्श की, क्योंकि इसमें मान्यता माना जाता है कि अपने पतिदेव का पैर छूने से सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग की तैयारी अब घर जाने की हो रही थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी वेदियाँ होती हैं उनको स्पर्श किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, जो कि हमारे छठ पूजा में इसको बहुत अच्छा मान्यता मानी जाती है। इसके बाद हम लोग गन्ने को अच्छे से तोड़ के और इसके बाद अब घर जाने की तैयारियाँ चालू हो गई थी। और मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हमारे छठ पर्व ये यूपी बिहार में ऐसा मानता है कि धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा है। बस कमी यहाँ ये होती है कि थोड़ा सा साफ़ सफाई और प्रशासन जो भी वहाँ पे घाट पे रहते हैं लोग, उन लोग से दरख्वास्त है कि इस चीज़ को थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, जैसे कि वेदी एक साइड सारे लोग बनाए और एक साइड से जाने के लिए रहे, क्योंकि यहाँ पे रास्ता देख सकते हो कि पता नहीं चलता है रास्ते का कि घाट पर आप रास्ते पे कैसे जाओगे, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जैसे तैसे लोग कर ही लेते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान दोस्तों देना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि हमें गंदगी ना फैलाएं, और नियम और कानून जो भी बने हुए हैं प्रशासन की बातें जो होती हैं उनको मानना चाहिए। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। और चलिए आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से सिनेमेटिक दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रसाद बांटने का वितरण ऐसे ही चलता रहता है, जो आए प्रसाद मांगे सबको प्रसाद दिया जाता है, इसके लिए किसी को ना नहीं किया जाता है, मन से दान करना चाहिए, दान जानते हैं कि महादान होता है। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अब बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।